तो काफी बार आपने सुना होगा कि मैं मोस्टली क्लिक मैजिक रेकमेंड करता हूँ ट्रैकर यूज करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्लिक मैजिक का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और साथ ही साथ क्लिक मैजिक क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है जो कि मोस्टली सबके पास नहीं होता है। तो आज हम करेंगे क्यू लाइकर का रिव्यू, देखेंगे क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके प्राइसिंग प्लान्स हैं, और क्या आपको क्यू लाइकर यूज करना चाहिए या नहीं। तो पूरा आज आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो सबसे पहले यहां पर मैं क्यू लाइकर की वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। तो क्यू लाइकर क्या है? क्यू लाइकर एक ट्रैकर है जिसको यूज करके आप अपने अफिलिएट कैंपेन्स को और सीपीए कैंपेन्स को ट्रैक कर सकते हो। आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से आईपी एड्रेस से आपको कन्वर्जन आया है, कौन से कीवर्ड से आपको कन्वर्जन आया है, कौन से डिवाइस से, कौन सी एड से, कौन से टाइम पे आपको कन्वर्जन आया है। तो जितनी भी ये सारी चीजें होती हैं इनको आप पता लगा सकते हो, और इनको यूज करके आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और साथ ही साथ उसे प्रॉफिटेबल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहां पर क्यू लाइकर की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब काफी सारे लोगों के मन में यहाँ पे एक डाउट होगा कि क्या हमें एक ट्रैकर यूज करना चाहिए, क्या बिना ट्रैकर के हम अपने कैंपेन्स को रन नहीं कर सकते, उन्हें प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। तो मैं आपसे सिंपली एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप बिना गैस के, बिना आग के आप खाना पका सकते हो। जैसे कि खाना बनाने के लिए आपको गैस चाहिए होती है, आग चाहिए होती है, वैसे ही अगर आपको किसी भी कैंपेन को प्रॉफिटेबल करना है तो आपको एक ट्रैकर यूज करना पड़ेगा। भले आप अपने कैंपेन को 3-4 दिन कम रन कर लो, लेकिन आप डेफिनेटली एक ट्रैकर यूज करो, बिकॉज एक ट्रैकर ही आपको बताएगा कि कौन से कीवर्ड से आपको कन्वर्जन आ रहे हैं, कौन सी एड कॉपी से आपको कन्वर्जन आ रहे हैं, कौन सी डिवाइस से आपको कन्वर्जन आ रहे हैं। तो जितने भी ये सारे मैट्रिक्स होते हैं इनको यूज करके आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हो, और फिर ही आपका कैंपेन प्रॉफिटेबल होता है। तो क्यू लाइकर आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल देता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप क्लिक करके इसका 1 मंथ का फ्री ट्रायल ले सकते हो। अब बात करते हैं कि क्यू लाइकर कौन कौन से प्राइसिंग प्लान्स के साथ आता है। तो क्यू लाइकर बेसिकली यहां पर 3 प्राइसिंग प्लान्स के साथ आता है। पहला है स्टार्टर, दूसरा है एडवांस और तीसरा है प्रोफेशनल। जो स्टार्टर प्लान है वो है $12 per month का, ये सबसे सस्ता प्लान है। जो एडवांस है वो है $35 per month का, और जो प्रोफेशनल प्लान है वो है $70 per month का। यहां पर एक फोर्थ प्लान भी है जो कि है फ्री ट्रायल प्लान। तो अगर आप इसका 1 मंथ का फ्री ट्रायल लेना चाहते हो तो उस केस में आपको ये वाला प्लान सिलेक्ट करना है, और फ्री ट्रायल के अंदर आप 500 मंथली क्लिक्स सेंड कर सकते हो। तो अगर आपके क्लिक्स 500 से ज्यादा होते हैं तो उस केस में आपके क्लिक्स ट्रैक नहीं होंगे, और अगर मान लीजिए आपका 1 मंथ हो गया है तो उस केस में आपको किसी ना किसी एक प्लान पे शिफ्ट होना पड़ेगा। जो फ्री प्लान है उसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको स्टार्टर, एडवांस और प्रोफेशनल प्लान के अंदर देखने को मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि फ्री प्लान के अंदर आप मंथली 500 क्लिक्स सेंड कर सकते हो, लेकिन स्टार्टर प्लान के अंदर आप 10,000 क्लिक सेंड कर सकते हो। तो यहां पर मैं अपने क्यू लाइकर के अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने अपने क्यू लाइकर के अकाउंट में लॉग इन कर लिया। जब आप लॉग इन करोगे तो आप कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप यहां पर अपना ट्रैकिंग लिंक सेटअप कर सकते हो। तो ट्रैकिंग लिंक सेटअप करने के लिए यहां पर आपको देखिए टॉप राइट पे आपको ऐड लिंक का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहां पे आपको सबसे पहले अपने ट्रैकिंग लिंक का नाम एंटर करना है। तो यहां पर मैं ट्रैकिंग लिंक का नाम एंटर कर देता हूं, टेस्ट ऑफर। उसके बाद यहां पे आपको नीचे प्राइमरी यूआरएल एंटर करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी यूआरएल के अंदर जो भी आप अफिलिएट ऑफर को प्रमोट कर रहे हो, जो भी सीपी ऑफर को प्रमोट कर रहे हो, उसका जो अफिलिएट लिंक है वो आपको सिंपली यहां पर पेस्ट करना है। तो यहां पर मैं अपना अफिलिएट लिंक पेस्ट कर देता हूं, ऐसे ही आपको भी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप दो ऑफर्स को स्प्लिट टेस्ट करना चाहते हो, आप देना चाहते हो कि दोनों में से कौन सा ऑफर अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा लैंडिंग पेज अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में यहां पर आपको स्प्लिट टेस्ट का ऑप्शन चूज कर लेना है। और यहां पर आपको देखिए नीचे क्लोक लिंक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो अगर आप लिंक को क्लोक करना चाहते हो तो यहां पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है, और सिंपली आपको फिर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पर हमारा ट्रैकिंग लिंक सेटअप हो गया। यहां पे देखिए उसका नाम है टेस्ट ऑफर। ऐसे ही आपको अपने सीपी ऑफर्स के लिए, अफिलिएट ऑफर्स के लिए आपको ट्रैकिंग लिंक सेटअप कर लेना है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं क्यू लाइकर के बारे में, और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे बुरी लगी हैं। तो सबसे पहले यहां पर अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि क्यू लाइकर काफी ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब जो ट्रैकिंग करता है वो एक्यूरेट होती है, ऐसा नहीं कि डिले होती है। कई बार क्या होता है कि जब आप ट्रैकर यूज करते हो तो मान लीजिए कि आपके नेटवर्क में तो कन्वर्जन शो कर रहा है, लेकिन आपके ट्रैकर के अंदर कन्वर्जन शो नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीजें क्यू लाइकर के अंदर मुझे देखने को नहीं मिली है, तो काफी ज्यादा एक्यूरेट ट्रैकिंग है। जो सेकंड चीज है जो मुझे अच्छी लगी है क्यू लाइकर में वो ये है कि क्यू लाइकर काफी ज्यादा चीप है, बहुत ज्यादा सस्ता है एज कंपेयर टू जितने भी और ट्रैकर है मार्केट में। अगर मैं क्यू लाइकर को यहां पर क्लिक मैजिक
मैजिक के साथ कंपेयर करूं तो क्लिक मैजिक का जो सबसे छोटा प्लान है वो है $27 का, और जो क्यू लाइकर का सबसे छोटा प्लान है वो है $12 पर मंथ का। तो अगर आप यहाँ पे खाली स्टार्ट कर रहे हो, ट्रैकर आप यूज़ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप क्यू लाइकर को यूज़ कर सकते हो। सारे फीचर्स आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो आपको क्लिक मैजिक के अंदर देखने को मिलते हैं। जो थर्ड चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि क्यू लाइकर के अंदर आपको क्लोकिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्प्लिट टेस्टिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, रोटेटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और जो फोर्थ चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आप पेपैल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड ही होना चाहिए। जैसे कि क्लिक मैजिक के अंदर आपको एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना मस्ट है, उसके बिना आप यहाँ पर पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन क्यू लाइकर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पेपैल के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट ईजिली कर सकते हो। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। आप बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे बुरी लगी हैं क्यू लाइकर के अंदर, क्या क्या इसके कॉन्स हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो मुझे बुरी लगी है वो ये है कि क्यू लाइकर के अंदर अभी तक पैरेलल ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं है, आप खाली इसके थ्रू रीडायरेक्ट ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप गूगल कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हो, फेसबुक पर कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको मस्ट होता है कि आप पैरेलल ट्रैकिंग यूज़ करो, बिकॉज अगर आप गूगल पर रीडायरेक्ट ट्रैकिंग यूज़ करोगे तो या तो आपकी ऐड डिसअप्रूव हो जाएगी या आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर क्यू लाइकर का यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप गूगल के कैंपेन्स ट्रैक नहीं कर सकते, फेसबुक के कैंपेन्स ट्रैक नहीं कर सकते, खाली आप रीडायरेक्ट ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लिक मैजिक की, तो क्लिक मैजिक यहाँ पर पैरेलल ट्रैकिंग भी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आप गूगल के और फेसबुक के कैंपेन्स ईजिली ट्रैक कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ मुझे मिसिंग लगी है क्यू लाइकर के अंदर। लेकिन बिंग के कैंपेन्स को आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। जो सेकंड चीज़ है जो मुझे बुरी लगी है क्यू लाइकर में वो ये है कि इनका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर मान लीजिए आपने इनको कभी मैसेज करा भी तो ये कभी भी उसका रिप्लाई नहीं करते। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको क्यू लाइकर यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो अगर मान लीजिए आप एक बिगिनर हो, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आप एक ट्रैकर यूज़ करना चाहते हो, तो उस केस में डेफिनेटली आपको क्यू लाइकर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर आप चाहो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।